only see students union 16 जुलाई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से सेक्रेटरी एजुकेशन से एक ऑर्डर आता है कि सर्कुलर आता है कि इस बार एकेडमिक जो है पूरा ऑनलाइन होगा, उसको लेके हम लोग सेक्रेटरी एजुकेशन को नहीं मिल पाया, मिनिस्टर एजुकेशन को नहीं मिल पाया क्योंकि सब आउट ऑफ स्टेशन रहा है। तो सेक्रेटरीत में भी एंट्री माना है जो घुसता ना, तो इसलिए हम लोग ओन इसी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग नहीं मिल पाया। पार्डर हम लोग रिप्रेजेंटेशन कल हम लोग जमा करना है। तो ये ऑनलाइन क्लास को लेके हम लोग ओन इसी स्टूडेंट्स यूनियन का ये कहना है कि जो अभी ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, यहाँ नेटवर्क का इशू है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वहाँ ऑनलाइन क्लास ठीक से नहीं हो पा रहा है। इवन दो कैपिटल में भी नेटवर्क का इशू है, तो इसका चलते यहाँ ऑनलाइन क्लास का बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग या ओन इसी स्टूडेंट्स यूनियन टुमारो वी आर गोइंग टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन लेटर टू द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन यहाँ 6 तारीख को जो प्रेस स्टेटमेंट आया है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है कल 9 को ऑल द कंसर्न डीडीसी को वर्चुअल मीटिंग के लिए कॉल ऑफ किया, तो उसके लिए अभी हम लोग जो है बिफोर वर्चुअल मीटिंग होल्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन इसी स्टूडेंट्स यूनियन का ये अपील रहेगा कि काइंडली ये ऑनलाइन सिस्टम को हटा के ऑफलाइन को करवा दीजिए, क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। साथों साथ में ये सब लोग स्मार्टफोन का एफर्ट नहीं कर सक रहा है, क्योंकि उसके बाद रिचार्ज भी करना होता है। बस्ती में रूरल एरिया में बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। खासतौर से हम लोग का जो निसी इनहेबिटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट जो अभी ताली जो अभी कोलोरिंग पिप्सोरंग न्योपिन ये बामिंग चैंग था, जो हम लोग का यह ज़्यादातर जो है यहाँ मोबाइल नेटवर्किंग नहीं है। तो नहीं होने का कारण से हम लोग का जो जितना भी निसी इनहेबिटेंट का एरिया में ऑनलाइन नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग कल वर्चुअल मीटिंग होने जा रहे हैं। उसके लिए हम एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल डीडीसी को हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि ऑफलाइन जो सिस्टम को शुरू करने से ठीक है, स्कूल को ओपनिंग शुरू करने से ठीक है। हाँ, जो कैपिटल में जो ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा केसेस है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जहाँ में ज़्यादा केसेस ज़्यादा बढ़ता है, वह SOP मेंटेन करके स्कूल को चलाने से ठीक रहेगा। और जहाँ रूरल एरिया से तो उसमें खासतौर से ऑफलाइन शुरू करने से ठीक है। तो हम लोग का ये अपील है ओन इसी स्टूडेंट यूनियन का कि ऑफलाइन सिस्टम को शुरू कर देने से ठीक रहेगा। तो कल देख उतना हम लोग का एक कल आफ्टर वर्चुअल मीटिंग हम लोग भी एजुकेशन मिनिस्टर को मिलेगा, लेकिन ये बिफोर वर्चुअल मीटिंग हम लोग ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ये रिक्वेस्ट करेगा कि बहुत तकलीफ है, तो इसके लिए अभी ऑफलाइन को शुरू करने से ठीक है। और ऊपर से जो रिपोर्ट अभी जो COVID-19 का जो रिपोर्ट को भी हम लोग देखा है कि काफ़ी इसमें कम हो गया, तो इसलिए अभी ऑफलाइन को शुरू कर देने से ठीक है, उतना हम लोग का एक अपील है। ऑफलाइन क्लासेस पे आप लोगों का जो क्योंकि कुछ एसोसिएशन का कहना था कि वो क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए ऑफलाइन क्लासेस होने से ठीक है, आप लोगों का ऐसा कुछ है या फिर पूरा क्लासेस? नहीं, हम लोग का जो एलिमेंट्री से लेके हायर तक पूरा को ओपन करना है, पूरा को ऑफलाइन करना है, क्योंकि बच्चा लोग जो है अभी मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करता है, तो उसमें पढ़ाई नहीं करता है, यूट्यूब में देखते रहता है, गेमिंग एडिक्टेड हो रहा है, बहुत बच्चा का लाइफ जो है इसमें ऑनलाइन में बिगड़ते जा रहा है। तो इसलिए उसको देख के इमिडिएटली ऑफलाइन करना है, स्कूल को भी इनोग्रेशन करना है। हाँ, मेरा ये हम लोग का ओन इसी स्टूडेंट यूनियन का ये मानना है कि हर स्कूल्स में इतना पॉपुलेशन तो नहीं है, एक एक स्कूल में 500-600 ऊपर है, 1000 ऊपर है, वो कैपिटल में है, और खासतौर से डिस्ट्रिक्ट में एक हायर सेकेंडरी में 200 है 300 है, तो उसको दे तो SOP मेंटेन करके पढ़ा सकता है, तो वो हम लोग मानता है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग हाँ टीचर्स का ऊपर है। और ज़्यादा जहाँ में पॉपुलेशन कैपिटल में हायर सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, जैसे कंकर नला में, जैसे अरुणादिया में, वो सबको कैपिटल को छोड़ के रूरल एरिया को तो हायर सेकेंडरी को भी अभी SOP मेंटेन करके पढ़ा सकता है ऑफलाइन। सो इफ देयर इज एनी केसेस ऑफ सीवियर केसेस स्टूडेंट्स से कोविड का लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये ऐसा नहीं कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग लेगा, यहाँ गवर्नमेंट लेगा बोल के नहीं है। यहाँ सब लोग जो है एक
ये कोविड 19 कोरोना वायरस जो है अभी जाने वाला नहीं है, इसको मेंटेन करके हम लोग रहना मतलब रहने के लिए हम लोग सीखना चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग स्कूल खोलवा दिया तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या गवर्नमेंट का होगा या ओवरऑल कॉमन कोर्स को देख के हम लोग जो है प्रॉब्लम को बोल रहे हैं। तो इसलिए अभी केसेस थोड़ा कम हो गया है तो इसके लिए हम लोग भी चाहता है कि स्कूल का ऑफलाइन होना है। तो ऐसा नहीं कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब का ऊपर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हम लेगा इधर गवर्नमेंट लेना है। अगर देखो हर इशू में हम लोग जो है वह अल्टीमेटम देना, हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए बात करना, वो हम लोग जरूरी नहीं समझता है। ये एक हम लोग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से हम लोग का सजेशन है, फीडबैक है कि ये ऑनलाइन सिस्टम को है ऑफ करना, ऑफलाइन होना है। अगर ऑनलाइन सिस्टम को अगर कंटिन्यू करेगा तो हम लोग पढ़र एजुकेशन मिनिस्टर को बात करेगा कि कंपलसरी जो है अभी ऑफलाइन ही होना है, ये ऑफलाइन होना है। क्योंकि आप देख लीजिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क नहीं है, आप लोग खुद माना ये सिर्फ निशी इनहेबिटेड एरिया का नहीं है, ऑल अरुणाचल में ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इवन टू कैपिटल में प्रॉब्लम है। तो उसको लेके कैसा अभी ऑनलाइन चला सकता है और कैसा बच्चा जो है अपना बेसिक जो एजुकेशन को मतलब इम्प्रूव कर पाएगा, ये तो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये ऑफलाइन के लिए डिमांड करेगा और इसको अगर नहीं मानता है तो फर्दर हम लोग बात करेगा हायर लेवल में भी। वो देखो हर किसी का जो है सोच विचार तो बराबर नहीं होगा, सबका अलग अलग सोच है, सबका ये है। तो हम लोग का ये एक मतलब हम लोग का फीडबैक तो यही है कि जहाँ में केसेस ज़्यादा है, जहाँ में केसेस ज़्यादा है जैसा कैपिटल में, जैसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वहाँ में अगर ऑनलाइन है जहाँ नेटवर्क ठीक है वहाँ ऑनलाइन करवा सकता है, हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल एरिया में जहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है, जो वहाँ में एक बस्ती माँ पिताजी जो स्मार्टफोन एपर नहीं कर सकता है, तो उसमें जो है ऑफलाइन होना है। तो वो हम लोग का एक व्यू है उसको लेके एजुकेशन मिनिस्टर को हम ये अपील करेगा कि हम लोग का ये आप लोग का माध्यम से जो प्रेस ब्रीफिंग किया है उसको सुन के कुछ सोच विचार में कल का वर्चुअल मीटिंग में कुछ आप लोग चेंजेस लाने से ठीक है, उतना अपील रखेगा ओल निशी स्टूडेंट्स यूनियन। थैंक यू।